हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जोगीठहर सिबीगंज बरेली में। देखिए यहाँ पर आज इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं जो कि बहुत बार यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप इस वीडियो को लगातार देखना, पूरा देखना वीडियो को, तभी आपको नॉलेज प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न आपके लिए जो बचा था वो प्रश्न है, पांचवा प्रश्न भी है। तो पांचवा प्रश्न हम आपके लिए पढ़ के बता देते हैं क्या है। पांचवा प्रश्न ये है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, यानी अगर हम दो संख्याएं मान लें, एक x संख्या मान ली, एक y संख्या मान ली, और x जो है वो बड़ी संख्या है और बड़ी संख्या, और y जो है वो छोटी संख्या है। y क्या है? छोटी संख्या, ठीक है ना, छोटी संख्या। अगर x बड़ी संख्या है, y छोटी संख्या है, तो इस तरीके से इनके वर्गों का अंतर 180 है, यानी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर में 180। इनके वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या कौन सी है? y है, यानी y स्क्वायर बराबर छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी बड़ी संख्या x है तो उसका 8 गुना हो गया 8x, y स्क्वायर बराबर 8x हो गया। इसी तरीके से यह समीकरण नंबर एक हो गई, यह समीकरण नंबर दो हो गई। अब इन दोनों समीकरणों को आपके लिए सॉल्व करना है। देखिए कैसे करना है, आप देखिए ध्यान से। x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का मान कितना हो गया? 8x, तो यहां पर रख दो 8x और बराबर में 180। तो यहां हो जाएगा आपके लिए x स्क्वायर माइनस का 8x, 180 को इधर ले आई माइनस का 180 और बराबर में 0। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, किसके? श्रीधराचार्य विधि से सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। a बराबर हो जाएगा हमारा 1, यहाँ पर 1 है, और b का मान हो जाएगा आपके लिए माइनस का 8 और c का हो जाएगा माइनस का 180। तो माइनस का b होता है यानी माइनस का 8, और प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर यानी माइनस 8 का स्क्वायर, माइनस 4 गुणे a का मान है 1 इंटू सी का मान है माइनस का 180 और बटे में 2a, यानी 2 गुणे a का मान 1 है। तो माइनस की गुणा माइनस प्लस हो गया, यानी 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 8 का वर्ग हो गया 64, और ये माइनस की गुणा माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। 4 की गुणा कर लीजिए, यहाँ पर 400 और 4 8 32 का यहाँ पर 2, और हासिल लगा 3 4 1 4 और 3 7 720 और बटे में आ गया आपके लिए 2। इसी तरीके से माइनस का 8 प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस हो चुका है ये वाला 8, क्योंकि माइनस की गुणा माइनस से प्लस हो गया। 8 प्लस माइनस ये जोड़ लेंगे 720 और प्लस में 64, तो ये 4 6 2 8, ये 7 784 आ गया, यानी स्क्वायर रूट के अंदर 784 और अपॉन में 2 आ गया। तो एक बार हम यहाँ पर प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले 784 का वर्गमूल निकालते हैं। तो हमने इसको लिख लिया, वर्गमूल निकालेंगे यहाँ से। 3 का करेंगे तो यहाँ पर 2 × 4 कर सकते हैं, 3 से ज़्यादा हो जाएगा, 2 × 4, 7 में से 4 गया, 3 बचा और ये 384 हो गया। अब आपके लिए क्या करना है, 2 और 2 4 हो गया। अब एक ऐसा नंबर डालिए कि ये पूरा जो है कहीं ना कहीं कट जाए, तो कितना नंबर यहाँ पर हमें डालना पड़ेगा? तो आप 8 डाल के देख लीजिए, 8 से करेंगे यहाँ पर 8 8 64 का 4, हासिल लगा 6 8 6 32 और 6 38, यानी 8 पड़ जाएगा। यहाँ पर 8 नंबर डाल देंगे और 8 से ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, 384 है ना। तो आपके लिए कितना बचा हमारे पास, 2 और 8 आ गया, यानी इसका वर्गमूल आ गया 2 और 8 यानी 28। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 8 प्लस माइनस 28 और बटे में 2, तो यहाँ पर पॉजिटिव चिन्ह ले लेंगे यहाँ पर, तो पॉजिटिव चिन्ह हमने ले लिया है 8 प्लस 28 और बटे में 2, 28 और 8 यहाँ पर जुड़ जाएगा, 8 8 16 यानी 36 बटे में 2, और 2 से कट जाएगा 18 आ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू आपके लिए 18 आ चुकी है, यानी पहली संख्या 18 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, इसको यहाँ पर रख देते हैं यहाँ पर। तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 गुणे एक्स का मान हमारे पास आ चुका है, एक्स का मान कितना आया हमारे पास, तो यहाँ पर आ गया आपके लिए 18, तो यहाँ पर 8 गुणे 18 कर दो, तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 8 64 का 4, हासिल लगा 6 8 1 8 6 14 144, और वाई निकालोगे तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लग जाएगा,
144 हो जाएगा, और जब y निकालोगे तो आपके लिए इसका वर्गमूल होता है 12। तो यहाँ पर एक 12 आंसर आ गया। तो इसी तरीके से यहाँ पर दो आंसर आए, एक तो x का मान आया आपके लिए कितना, x का मान आपके लिए आया है पहला वाला जो कि 18 है, और y का मान आ गया आपके लिए 12। तो ये दोनों संख्याएं जो हैं हो जाएंगी, जिसमें बड़ी संख्या 18 है और छोटी संख्या 12 है। तो इस तरीके से यहाँ पर इस प्रश्न को कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था जो कि हमने आपके लिए कराया, कई बार यूपी बोर्ड में ये पूछा भी गया है। अब इसके लिए अब हम यहाँ पर आगे छठा सवाल कराते हैं। छठा सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, पिछली एक्सरसाइज में भी आया था और यहाँ पर भी है आपके लिए। तो छठा सवाल यहाँ पर देखिए, ध्यान से सॉल्व कराना शुरू करते हैं। छठा सवाल यह है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी दूरी कितनी है यहाँ पर, तो दूरी है आपके लिए मैं लिख देता हूँ 360 किलोमीटर, ये दूरी है 360 किलोमीटर। इसी तरीके से यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है हो जाए तो वह उस समय यात्रा में एक घंटा कम समय लेती है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अगर उसकी चाल 5 किलोमीटर अधिक हो जाए, यानी अब हम इसके पहले चाल मान रहे हैं x किलोमीटर प्रति आवर, x किलोमीटर पर घंटे, यहां पर हमने चाल मान ली है। तो अगर मैं समय निकालूंगा, तो समय निकालूंगा यहां पर, आप देखिए समय जब निकालूंगा तो आप देखिए क्या होता है, चाल बराबर होता है आपके लिए दूरी बटा समय, क्या होता है दूरी बटा समय। और जब आप यहां पर आप देखिए समय निकालोगे तो दूरी बटा चाल हो जाएगा, दूरी कितनी है 360 और यहां पर चाल कितनी है x किलोमीटर बराबर, यानी पहली कंडीशन में समय लगेगा 360 बटे x, क्लियर है। अब इसी तरीके से कह रहे हैं कि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, तो चाल जब बढ़ा दोगे समय कम लगेगा, चाल बढ़ा दो यानी अब चाल बढ़ी हुई, चाल बढ़ी हुई, तो चाल बढ़ी हुई कितनी हो जाएगी यहां पर, आप देखिए चाल हो जाएगी, ये पहले x थी अब 5 किलोमीटर बढ़ा दी तो x प्लस 5 किलोमीटर बराबर हो गई, ये इसकी चाल बढ़ गई, 5 बढ़ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो समय एक घंटे कम लगता है, यानी पहले समय लग रहा था ये, पहले समय ये लग रहा था, अब एक घंटे कम लग रहा है समय, तो समय यहां पर क्या हो जाएगा आपके लिए, अब जो समय हो जाएगा ये चाल हो गई आपके लिए, इसके लिए समय अब आप एक घंटे कम हो जाएगा, तो कैसे करेंगे, समय जो लग रहा था वो 360 बटे एक्स लग रहा था, अब जो समय हो जाएगा अब हो जाएगा आपके लिए एक कम, कैसे कम हो जाएगा, तो चाल यहाँ पर बढ़ा दी गई है तो समय अब लग रहा है 360 बटे में एक्स और माइनस का 1, एक घंटा कम समय लग रहा है, एक घंटा कम समय लग रहा है, जितना पहले लग रहा था अब उससे एक घंटा कम समय लग रहा है, और कह रहे हैं एक घंटा कम समय लगता है तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब देखिए यहां पर चाल कितनी है, चाल हमारे पास यहां पर आप देख लीजिए चाल कितनी है, तो चाल है x प्लस 5, अब चाल है x प्लस 5 किलोमीटर, दूरी कितनी है, दूरी उतनी है 360 और बटे में, अब समय कितना लग रहा है, अब कम लग रहा है, एक घंटे कम समय लग रहा है, 360 बटे एक्स माइनस का 1। अब इसको सॉल्व करना है, सिंपली इसको सॉल्व करना है आपके लिए, तो क्या करेंगे 360 इधर आ जाएगा, इसकी गुणा हो जाएगी, यानी x प्लस 5 और गुणे में 360 बटे में x माइनस का 1 और बराबर में 360, ये आ गया। अब आपके लिए क्या करना है, सिंपली ध्यान से सुनना, तो यहां पर आपके लिए गुणा करनी है, कैसे करनी है, देखिए x की गुणा इससे करेंगे तो x गुणे 360 बटे में x आ जाएगा, फिर x की गुणा माइनस से भी होगी तो माइनस का x आ जाएगा, इसी तरीके से 5 की गुणा भी होगी तो प्लस का 5 गुणे 360 बटे में x और माइनस का 5 हो जाएगा और बराबर में 360, ये आ जाएगा। इसी तरीके से अब आगे नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर हमारा यहाँ पर आ चुका है यहाँ तक, अब आपके लिए क्या करना है, x से x यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके लिए बचेगा 360 और यहां पर बचेगा आपके लिए देखिए माइनस का x और बराबर में माइनस का x है और उसके बाद आपके लिए देखिए प्लस 5 गुणा करेगा इससे, तो 5 से गुणा करा देंगे 500 आ जाएगा, प्लस का 500 और 5 छक्के 30 हो जाएगा, 30 का भी 0 आ जाएगा और हासिल लगा 3, 5 तीन 15 और 3 18, 1800 आ जाएगा और बटे में आ जाएगा x, बटे में x आ जाएगा और ये जो 5 है, जो 5 है वो उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा आपके लिए बराबर में 360 और प्लस का 5 हो जाएगा इधर, ये 5 इधर आ गया।
अब क्या करेंगे ध्यान से देखना, 360 इधर भी है इधर भी है, प्लस प्लस के हैं तो माइनस हो जाएंगे तो ये कट जाएंगे, यानी हमारे पास बचा अब इसको लिख लेंगे 1800 बटे में एक्स और माइनस का एक्स, ये वाला टर्म पहले लिख लिया ये बाद में लिख लिया, ठीक है, और बराबर में आपके लिए बचा 5। अब देखिए एक्स एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1800 एक्स की गुणा एक्स होगी तो माइनस का एक्स स्क्वायर और बटे में फिर से एक्स आ जाएगा बराबर में 5 आ जाएगा, तो 1800 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में यहाँ हो जाएगा 5x, तो यहाँ हो जाएगा आपके लिए माइनस का एक्स स्क्वायर, 5x इधर ले आओ माइनस का 5x और प्लस का 1800 बराबर में 0, ये हो जाएगा। अब माइनस से गुणा करा देंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 5x और माइनस का 1800 और बराबर में 0। अब यहाँ पर इसका गुणनखंड करने है, कैसे करने हैं, तो आप द्विघात समीकरण के लिए यहाँ पर सिरे धराचार्य विधि लगा देंगे तो a का मान है 1 और b का मान है 5 और c का मान है माइनस का 1800। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों अब आप इसको सॉल्व करते हैं किससे, यहाँ पर सिरे धराचार्य विधि से, तो माइनस का b होता है यानी माइनस का 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर यानी 5 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान हमारे पास है 1 इंटू सी का मान है माइनस का 1800, ये आ गया, और बटे में 2 गुणे ए का मान हमारे पास है 1 यानी माइनस का 5 प्लस माइनस रूट के अंदर 5 का वर्ग 25 और माइनस की गुणा माइनस हो जाएगा प्लस, 4 की गुणा करा देंगे तो यहाँ 4 अटे 32 का 2 हंसी लगा 3 और 4 एक कम 4 और 3 7 और 00 ये है तो 00 बढ़ा दिया और बटे में 2 आ गया। अब आप जोड़ लीजिए 7200 और 25 इसमें जोड़ देंगे तो 5 2 2 और 7 7225 आ जाएगा यानी माइनस का 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 72 और 25 ये आ गया और बटे में 2। अब 7225 का आपको रूट निकालना पड़ेगा तो हमने लिख दिया 7225 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ जोड़े बन गए तो आप कर लीजिए 7749 और 8864 981 ज़्यादा हो जाएगा 8864 हो गया, तो 12 में से 4 गए 8 बचा और 6 में से 6 गया 0 25 तो डाल लिया हमने 8 8 हो गया यहाँ पर 16। एक ऐसा नंबर डालिए कि भी यहाँ पर 825 कट जाए, तो मैं यहाँ पर अगर डाल लूँ 5 डाल लूँ यानी 1 6 और 5 डाल लूँ तो 5 से गुणा करानी पड़ेगी, 25 का 5 हासिल लगा 2 5 6 30 और 2 32 का 2 हासिल लगा 3 5 1 कम 5 3 8 825 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 5 यहाँ पर रख दीजिए और 5 से गुणा करा दीजिए तो ये हो गया 825 खत्म, यानी 8 और 5 इसका वर्गमूल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 और 5, तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस का 5 प्लस माइनस यहाँ पर 85 और बटे में आ गया आपके लिए 2, तो यहाँ पर एक बार जोड़ कर निशान लगा लेंगे माइनस 5 प्लस 85 बटे में 2, 85 में से 5 चला जाएगा 80 बटे 2 और 2 से कट जाएगा 2 चक्के 8 ये 0 यानी 40 आ गया। अगर ये 40 मान आ गया है तो इसी तरीके से आप यहाँ पर जो समय है वो निकाल सकते हो, हालांकि आपसे चाल पूछी गई है तो चाल यही हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर इसकी चाल हो जाएगी, यही हमारा आंसर है। और ये प्रश्न कई बार बेटा पूछा गया है तो इसलिए आप इसको महत्वपूर्ण प्रश्न में मानिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपी बोर्ड में कई बार आया हुआ है तो आप इसको ध्यान से करिएगा। देखिए स्टूडेंट अगला सवाल है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 7वां प्रश्न है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न क्या है हम बता देते हैं आपके लिए। लिखा है दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं, बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। मान लो एक यहाँ पर एक टंकी है, इसको दो नल भर रहे हैं, एक पहला नल भर रहा है और एक दूसरा नल भर रहा है इस तरीके से, तो अगर एक नल को भरने में कितना एक्स घंटा लगता है यानी छोटा है तो उसके लिए एक्स घंटा लगेगा, एक्स यहाँ पर समय लगता है, और दूसरे को 10 घंटे कम लगते हैं यानी एक्स माइनस 10, इसको एक्स माइनस 10 लगते हैं, इसको एक्स लगते हैं, क्योंकि ये जो है वो छोटी है और ये बड़ी है तो इसकी जाहिर सी बात है ये पहले भर देगी और ये बाद में भर पाएगी, यानी इसमें समय ज्यादा लगेगा इसमें समय कम लगेगा, तो ये हो गया। इसी तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जब यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर छोटी टोंटी द्वारा या छोटे नल द्वारा भरा गया भाग कितना हो जाएगा, तो छोटे नल द्वारा भरा गया भाग हो जाएगा 1/x। इसी तरीके से बड़े नल द्वारा
बड़े नल द्वारा भरा गया भाग भाग कितना हो जाएगा, ये जो है समय लगेगा इसमें कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके लिए जो समय लगेगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1/(x-10) ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए समय लग गया है। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आपके लिए जो टोटल समय लग रहा है 9 सही 3/8 कितना लग रहा है, 9 सही 3/8, तो इसको बदल लो, 9 72 + 3 और 8 यानी 75/8। तो इसका भी अगर हम एक यूनिट समय में निकालेंगे, इकाई समय में अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8/75, कितना हो जाएगा 8/75 हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी इसको जोड़ेंगे 1/(x+(x-10)) = 8/75 ये होगा। अब इसको सॉल्व करने गए, यहाँ से x माइनस दस इधर आ जाएगा और प्लस का x की गुणा इधर हो जाएगी क्योंकि ये एलसीएम मैंने ले लिया, एलसीएम ले लिया तो x माइनस दस इधर आ गया और x उधर चला गया और बटे में आ गया x × x-10 और बराबर में 8/75 ये आ गया। अब देखिए x और x मिलकर के 2x हो गया माइनस का 10 बटे में x की गुणा x से x² और माइनस x की गुणा 10 से 10x बराबर में 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आप देखिए 75 की गुणा इधर से हो जाएगी, तो यानी 75 × 2x-10 बराबर 8 × x² - 10x ये हो गया। अब आप गुणा करा दीजिए, 2 × 5 = 10 का 0 वहाँ से लगा है, 1 × 2 = 14 और 1 = 15, 150x और माइनस 75 के गुणा 10 से करोगे तो 750 बराबर में ये हो जाएगा 8x² और 8 × 10 = 80x ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से x अक्ष वालों तरफ एक कर लेंगे और नंबर को एक तरफ कर लेंगे, इन दोनों वैल्यूज को उधर ले जाइए या इन दोनों वैल्यू को इधर ले आइए, तो 150x माइनस का 750 और माइनस का ले आओ इधर 8x² और प्लस का हो जाएगा 80x और इधर कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। अब सिंपली देखिए यहाँ पर क्या है, x वालों को जोड़ लीजिए, 80x ये है, 150x ये है, तो 150 और 80 जोड़ लो, 0 × 8 = 5 = 13 हासिल लगा 1 और ये 230x यानी 230x हो गया। तो हम 8x² को पहले ही लिख ले रहे हैं और ये हम लिख रहे हैं +230x और माइनस का 750 बराबर में 0, माइनस से गुणा करा देंगे तो 8x² हो जाएगा, माइनस का 230x हो जाएगा, प्लस का 750 हो जाएगा बराबर में 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर सिंपली क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ धराचार्य विधि को सूत्र लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम आपको बताते हैं, सबसे पहले यहाँ पर 2 से भाग भी कर दीजिए इसके लिए, तो मैं 2 से भाग कर दे रहा हूँ पूरी समीकरण को, 2 × 8 = 4x² 2 × 2 = 10x प्लस 2 × 3 = 6 और 2 × 7 = 14 1 × 2 = 10 बराबर में 0 आ गया। इसी तरीके से हमारे पास ये आ गया, तो a का मान आ गया 4, b का मान आ गया माइनस का 115, c का मान आ गया 375। इसको सॉल्व कर लेंगे तो माइनस का भी यानी प्लस का 115 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर b² यानी 115² और माइनस का 4 × a = 4 और × c = 375 और बटे में 2a यानी 2 × 4 ये हो गया। अब सिंपली यहाँ पर सॉल्व करेंगे आगे, देखिए यहाँ पर हम स्टेप को अब सॉल्व कर रहे हैं, 115 वैसे ही रहेगा तो मैंने 115 को वैसे ही लिख लिया प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर, 115 का स्क्वायर करना पड़ेगा तो मैं 115 की गुणा 115 से करूँगा। यहाँ पर देखिए 5 × 25 = 5 हासिल लगा 2, 5 × 5 = 5 और 2 = 7 और 5 × 5 = 5 गुणा 1 से करोगे तो वही रहेगा 5 × 1 = 1 फिर से वही रहेगा 5 × 1 = 1 और जोड़ लो 5 × 7 = 5 = 12 हासिल लगा 1, 5 × 5 = 10 = 11 12 = 2 और हासिल लगा 1 1 2 3 और ये हो गया 1 13 225 यानी 13 225 आ गया और बटे में आ गया आपके लिए कितना 2 × 8 ये आ गया। आप सिंपली क्या करेंगे, 13 225 का आप वर्गमूल निकाल लेंगे, तो 13 225 का वर्गमूल निकाल लेंगे, ठीक है ना, 13 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो जोड़े बना लेंगे 1 1 = 1 तो यहाँ पर आ गया 1 1 = 1 यानी 0। अगला आ गया नंबर 32, 1 और 1 = 2 कितना हो गया 2 क्योंकि यहाँ पर जुड़ता है आपके लिए और यहाँ पर 1 में से 1 = 0 आ गया तो अगला जोड़ा उतार लिया 32। एक ऐसा नंबर डालेंगे कि 32 से ज़्यादा ना हो, तो 2 अगर मैं 2 भी डाल देता हूँ तो 2 × 2 = 4 2 × 2 = 44 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब मैं 1 नंबर डाल रहा हूँ, 1 डाल देता हूँ तो ये 21 आ जाएगा। अब आप घटा लो 1 × 3 = 1। अगला नंबर हम उतार लेंगे 25, तो 21 और 1 = 22 हो जाएगा
और 2122 हो गया, आप ऐसा एक नंबर डालिए कि जो 1125 पूरा कट जाए। तो यहाँ पर हम आप डाल लेते हैं 5, तो 5×25 का 5 हासिल लगा यहाँ पर, 2, 5×2×10 2, 12 का 2 हासिल लगा यहाँ पर, 1, 5×2×10 और 1×11 कट गया यहाँ पर। तो हम यहाँ पर 5 ले सकते हैं, 5 से ही गुणा करा देंगे तो यहाँ पर आपके लिए 1125 आ जाएगा, इसी तरीके से खत्म हो जाएगा। यानी हमने पहले डाला 1, फिर डाला 1, फिर डाला 5, 115 इसका यहाँ पर आंसर आ गया। तो यानी अब हम लिखेंगे यहाँ पर 115, और 115 हो गया आपके लिए प्लस माइनस इसका आ गया 115 और बटे में आ गया आपके लिए 2। तो सिंपली आप क्या करेंगे, इनको जोड़ के भाग कर देंगे, तो 115 और प्लस 115, 5×10 का 0 हासिल लगाए कि 1×1 2×1 3 और 1×1 2 230 बटे में 2 आ गया, 2 से काट देंगे, 2×1 2 और 2×1 2 2×5 10, यानी 115 इसका आंसर आ गया, 115 इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर इस सवाल को, प्रश्न को कर सकते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके लिए समय आ गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसी तरीके से आपको सवाल को सॉल्व करना है, बहुत ही आराम से सॉल्व करना है। कैसे करना है आप देख चुके हैं कि इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।